오래. 기다려봐요. अब गाइस आपको तो पता ही कि आजकल मेरे और साइबर के बीच में एक वॉर चल रही है कि हमारी जैसे ही मैच मेकिंग होती है हम एक दूसरे की मौत के भूखे हो जाते हैं। खैर इस वाले मैच में मुझे ये बंदा दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये साइबर तो नहीं है क्योंकि इसका जो आउटफिट है एकदम साइबर जैसा था। बट इस वाले मैच में देखो ये साइबर पता नहीं फेक है कि असली, इसको तो मारेंगे ठीक है, लेकिन इस वाले मैच में भाई आज मैं स्नाइपर AWM का भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। और साथ ही मैं एक टीम मीटअप करने वाली थी लेकिन उनके दिमाग में पता नहीं कौन सा गांजा घुस गया, उसके बाद जिन्होंने किया वो जरूर देखना। खैर सबसे पहले आए हम लोग उतरे जॉर्जोपुल उतरते जी हाँ बिल्कुल इधर से हमें फायरिंग के साउंड आए। मैं आजकल कुछ मुक्के वाली ये ट्रिक करने की सोच रहा था। खैर ट्रिक व्रिक जाए भाड़ में बंदे सामने तो पैर इनकी पेटी बनाते हैं। अब यहाँ पर ये दो टीम के अलग अलग टीम के बंदे फाइट कर रहे थे। मैंने एक बंदे का किल चुराया, एक को नॉक किया, फिर फिनिश किया और जिस बंदे से ये फाइट कर रहे थे उसको हम लोग इधर ढूंढ रहे थे। तभी कोई लेफ्ट से आया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे बंदा बोलूं कि बॉट बोलूं, पर जो भी है छोड़ दो इसे, बस जाने दो। बट फिलहाल मैं चेक करने के लिए आता हूं इधर की तरफ उस बंदे को जो इधर से फाइट लिया था। और जैसे ही यहां आया ये जो स्कारल चला रहा था मुझे एक बार को बंदा लगा। क्या नाम है इसका, लॉस्ट शॉट, पता नहीं बॉट भी हो सकता है। और ये दूसरे का नाम क्या था, ड्रू बैल। भाई कुछ नहीं कह सकते, ये सब छोड़ो, यहाँ मिल चुकी एक बहुत ही खतरनाक पेटी। पेटी का इस्तेमाल करके आज भाई अपार्टमेंट पे जो मैंने चड्डियाँ ढीली की हैं ना, मैं तुम लोग क्या बताऊँ। ये देखो सीधा है अपार्टमेंट और यहाँ पर दो स्क्वाड। भाई क्या बंदे के सर पे कूद जाओ क्या, फाइनली मैं कूदा। अब देखो ये बंदा तो मेरे को पक्का रिपोर्ट मानने वाला है कि ये कहां से आ गया आसमान से, ठीक है। पर फिलहाल ये इस टीम का आखिरी बंदा था और ये मारा जा चुका है। खैर अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो रुको, मैं तुम्हें लाइक करने की एक थोड़ी सी वजह दे देता हूं। ये देखो इस ग्रेनेड को ठोक दो, इस ग्रेनेड के लिए लाइक जल्दी से। एक बंदा नॉक हुआ, मैं सीधा उस पर घुसा, बट अब जब मैं इस बंदे को मारने आया था ना तब मेरे को बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन भाई भला हो पॉल के कवर का कि उसने मेरे को बचा लिया। खैर रही बात अभी फेक मिस्टर साइबर स्क्वाड की, उसको नहीं पता, लेकिन एक मीटअप वाली टीम से तो मैं मिलाऊंगा कि भैया उसने हमारे साथ क्या स्कैम किया है। खैर गाइस तब तक आप लोगों को बता दो जल्दी से 1x बैट के बारे में। जी हाँ गाइस अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन करना पसंद है, जैसे कि अभी IPL चले थे और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, अगर आप लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस मैच में कौन सी टीम जीत सकती है तो आप इसके जरिए काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो। और हाँ अगर आप फर्स्ट डिपॉजिट मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको फ्री में 26,000 का बोनस मिलेगा और उसको भी आप लोग अपने प्रेडिक्शन में यूज़ कर सकते हो, मतलब आम के आम और के भी दाम। यही नहीं अगर आप चाहो तो ई स्पोर्ट्स गेम जैसे कि फ्री फायर, BGMI, वेलोरेंट, इन सब पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो अब चाहो तो ई स्पोर्ट्स या फिर ई स्पोर्ट्स, तो मैं इसका जो लिंक है एंड जो प्रोमो कोड है नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। बट फिलहाल मिलो भैया स्कूप से। अब ये कूप वाला मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो हमने दूसरी टीम मारी थी क्योंकि उसका हमें आखिरी बंदा हद पे नहीं चढ़ा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा वही हो सकता है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं भाई पूचिंग की वाली ट्रेन से, ठीक है ना। तो ट्रेन में बैठते हैं, पूचिंग की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ही पूचिंग की तरफ आए देखो सामने, अब देखो इन बंदों ने जो ग्लेशियर का मेरा जो वो था हिट इफेक्ट वो देख के शायद किसी ने मेरे को पहचाना तो वो तो जंप करा था, लेकिन बाकी के जंप नहीं कर रहे थे तो मेरे को ऐसे में ना डाउट रहता है। अब ये देखो मैं यहां जंप करने जाता हूं, तभी देखा भाई सब आजकल ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बंदे एक सेकंड में पेटी बनाते हैं। और अभी देखो स्कैम दिखाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। बस अब जैसे इस बंदे को मारा तभी पोचिंग की में एक फ्लेयर चली, तो मैंने स्पॉल को बोला कि इन लोगों को बोल दे कि भाई रिवाइव वगैरह कर लो और आप मतलब मीटअप मत करना, दोबारा फाइट ही करना, ठीक है। तो ठीक है हम लोग आ गए सीधा गाड़ी उठा के यहाँ, क्योंकि फ्लेयर अभी यहीं कहीं से चली थी। अब जैसे यहाँ आया उधर तो अलग गोलियां चल रही थी और हम यहाँ वाले बंदे को ढूंढ रहे थे। अब सही बताएं तो यहाँ फ्लेयर यहीं कहीं चली है और फाइनली फुट का साउंड आया बंदे का। हमें पता चला कि एक बंदा तो हमारी छत पे, तो मैंने पॉल को बोला फायर कर,
और मैंने खींच ली ग्रेनेड की पिन, और अब देखो लिट हुआ होगा पक्का। बड़े ही आराम से इसको नॉक डाला, और इधर की तरफ से जो मेरे को साउंड आया था मैं तुरंत इस बंदे की तरफ चल पड़ता हूं, और देखो ये दूसरा बंदा था इस टीम का, ये भी नॉक फिनिश हुआ। अब मैं जैसे इस बंदे की पेटी लूटने के लिए इसकी पेटी के पास आता हूं, तभी मेरे को ये बंदा दिखाई दिया। भाई 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 भाई, अब मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये इसी स्क्वाड का बंदा हो सकता है। अब इन बंदों को मारने के बाद में हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं, इन बंदों को ड्रॉप लूट के। अब देखो जरा स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है जंप कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम भी इनके पास रुकने के लिए जाते हैं। तभी भाई क्या था ये? नहीं, मैं पूरी जनता से यही जानना चाहता हूँ कि ये था क्या और इन बंदों ने ऐसा क्यों किया। बाय द वे गाइस, जल्दी से पहले सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्स पे मारा है ना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि पीटी बनने में कोई देर बची नहीं थी, तो इसलिए नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। अब यहाँ हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया और हमें एक बग्गी का साउंड आया। अब इस बंदे को देखो, इसको सही बताऊँ तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसने लगाया दिमाग। ये करता है कि बग्गी पीछे रोक के बस रोटेशन देने ही वाला था, तभी मैंने इसको स्पॉट कर लिया। स्पाई वाइपर बाद में आना भाई यार, मतलब ये बंदा आईक्यू लगा के ना हम दोनों को पेटी बना सकता था, वो तो मैंने एंड मूवमेंट पे से स्पॉट कर लिया। बस तो भैया वही गया महंगी वाली पेटी। तो यहाँ पर सब एकदम क्लियर था, स्कैम वाले बंदे भी थे, लेकिन फेक मिस्टर साइबर स्क्वाड का अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्योंकि असली होता तो किल फीड में पक्का नाम आता। हाँ भाई रुक जाओ, तो मैं भी दवा देते हैं। देखो ये बंदा जोन के बाहर है, लेकिन इसको फिर भी दवा चाहिए। चुपचाप लेट सकता था, जोन में आ सकता था, लेकिन नहीं भाई साहब को दवा चाहिए। और फाइनली मैंने, तुमने शायद देख ही लिया क्या, मेरे हाथ में ओम है, तो ठीक है चलो यूज़ करके दिखाता हूँ। आते एक नॉक निकाला, ये क्यों नहीं लगा शॉट, लग रहा दीवार में लग गया। भाई साहब कैसे मिस हो गया ये। खैर अब जो भी है, जल्दी से बग्गी उठा के सीधा बंदों पर रश करते हैं और चलते हैं भैया एक और समस्या में फंसने के लिए, क्योंकि जैसे ही बग्गी लेके आए बंदा रिवाइव हो गया। बाल बाल बचा, लेकिन रुको अभी भी दो बंदे बचे दूसरी टीम के। पहले फर्स्ट किट लगाता हूं। अब यहां पर रिवाइव देने से पहले जरूरी पता है क्या है, सामने वाले बंदों को थोड़ा डराया जाए। अब वो कैसे, ग्रेनेड फेंक दिया मैंने एक, इसको रिवाइव दिया और जंप मारते मारते इधर पर रोटेशन दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद पॉल ने एक बंदे को मौली से नॉक कर दिया और एक लास्ट बंदा बचा जो कि मेरे को दिखा। और बड़े ही आराम से दोनों की पेटी बन गई। अब जब इन बंदों से हम लोग फाइट ले रहे थे, तभी मैंने एक M24 का साउंड सुना था पीछे की तरफ, इसलिए बग्गी उठा के सीधा इधर की तरफ आता हूँ। जैसे ही यहाँ आया मैं सोचा था कि शायद बंदा वॉच टावर पे हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तभी भाई साहब ने इधर से M4 चलाई पत्थर के पीछे से, मुझे पता चल गया। लेकिन ये भाई साहब पत्थर के पीछे से निकले ही नहीं, बग्गी उठा के मुझे जोन में यहाँ से निकलना पड़ा। और मैंने क्या सोचा कि अब ये पत्थर के पीछे तो है ही, क्यों ना मैं इसका जोन घेर लेता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ जोन में आया। बॉडी एंड हेड, कैसा लगा गाइज? ओम का यूज वैसे मैं बहुत ही कम चलाता हूँ, लेकिन जब भी चलाता हूँ ना, मुझे पता है तुम लोगों का दिन बन जाता है, तुम ये कहते हो यार ये डेली क्यों नहीं ओम चलाता है, मतलब डेली ऐसे हेडशॉट हमें क्यों देखने को नहीं मिलते। ये बॉडी नहीं, शायद नहीं है बॉडी भी, बट ये हेड है। अब ये नॉक हुआ जैसी, मैंने सोचा कि इस पर रश करता हूँ, तभी भाई फिनिश हो गया मेरा, मतलब उसका टीममेट मारा गया। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा लालच दिया कि वो पीक वीक करें, लेकिन उन्होंने पीक किया ही नहीं भाई। और एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मेन बिल्डिंग बंदा था कहाँ, कोई आइडिया नहीं था। ये जो मेन बिल्डिंग, अब जो बंदा विजिबल था वो पॉल की तरफ से दिख रहा था, मुझे कोई नहीं दिख रहा था, बट फाइनली मेरे पास भी मौका आया एंड मुझे दिखा ये बंदा। भाई जो ही भाई मटकी फोड़ हेडशॉट दिए ना यहाँ पर, मजा ही आ गया। अब हम लोग चाहते तो रश कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि अब स्नाइपर है तो क्यों ना स्नाइपिंग ही की जाए।
खैर बंदे की गर्दन दिख रही थी, शॉट लगने के चांसेस बहुत कम थे। फाइनली धीरे 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 जोन श्रिंक हुआ, और ये बंदा कहाँ है कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब देखो, अभी मुझे इधर से किसी ने मारा था तो मैं यहां पर स्पॉट कर रहा था, तभी बंदा देखा एक नॉक। अब मुझे पता था कि पहले रिवाइव होंगे, उसके बाद जरूर वहां से निकलेंगे, इसीलिए मैं स्कोप खोल के बस बैठा रहा, इंतजार करता रहा एक प्यारे से मूवमेंट का। और एक बॉडी, हेड तो नहीं पड़ा यार, अभी दूसरे बंदे को भी आना था, उसके लिए भी मैं इंतजार करता रहा। फाइनली वो आया पीछे से घूम के, इसको भी बॉडी दिया। लेकिन 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 जोन इतनी तेजी से आया कि सारे के सारे बंदे धीरे धीरे प्ले जोन से मारे जाने वाले मेरे भाई, मरेंगे सब अब साले जोन से। बस देखते जाओ किल फीड, और बंदों को तो मैं देख ही रहा हूं। रोहित भाई 1 2 3 4, सिंह सैंग नायक भाई सब मर गए प्ले जोन से, कोई नहीं बच रहा आज। ये भी गया प्रशीर 56, ओके बंदा मेरे को दिखाई दिया, ओपन में आया, बॉडी नॉक, बॉडी फिनिश। अब बचा केवल एक लास्ट आखिरी बंदा, और इस बंदे के लिए जो मैंने एंगल बनाया ना भाई, लिटरली यार तुम ये कहोगे भाई कैसे सोच लेते हो यार ये सारी चीजें, मैं क्या बताऊंगा इसे, सोचना पड़ता है। देखो अभी तुम, ये तो बॉडी लगा इसको, लेकिन ये एंगल देखो तुम, वो बेचारा सोच भी नहीं सकता कि यहां से। एंड बूम गाइस, मिल चुका है एक मटकी फोड़ हेडशॉट के साथ में चिकन डिनर। तो गाइस स्नाइपिंग कैसी लगी, और स्कैम वाले बंदे और फेक में से साइबर स्क्वाड का तो कुछ पता है नहीं, लेकिन असली वाले को जल्दी ही मारेंगे, आप लोगों को पता है, जैसे कि आजकल एक सीरीज चल रही है हमारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करना मिस्टर साइबर स्क्वाड वर्सेस बंदूकबाज सीरीज से जुड़ने के लिए भी, एंड अपने दोस्तों में पहुंचा देना इस वीडियो को। ट्राई कर सकते हो 1xbet, लिंक एंड प्रोमो कोड नीचे कमेंशन में पिन कर दिया है, जहां पर आप लोग प्रेडिक्शन करके पैसे अर्न कर सकते हैं। 26,000 का फ्री बोनस अवेलेबल है फॉर डिपॉजिट पे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।